देखो एक अपना इतिहास में बहुत बड़े भक्त हुए हैं। देखो वैसे तो सारे बड़े हैं, जब भक्ति करने लग जाए तो कौन छोटा कौन बड़ा है, लेकिन फिर भी धन्य भक्त नहीं होकर गृहस्थी में अंदर अंदर भी जिसका मन है, जो रम गया था सन्यासी जीवन में, वो धन्य भक्त का एक विशेष स्थान है। तो आपने सुना होगा कि ज्वैर का बीज दिया था और वो साधुओं में बांट दिया था धन्य भक्त जी ने। तो फिर क्या कहा, अगर उसने लगाई ना बजाय दिया, बोले जा रहे तेने बीज तो सारा बांट दिया, ज्वैर कितने जामेगी। तो उसने क्या कराया, कंकड़ हैं जो कंकड़ पत्थर हैं वो फेंक दिए थे, और तो कंकड़ पत्थर वो तुम्बे लगे थे, भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। और वो तुम्बे क्या हुआ है, ये तुम्बा ये हुआ है, आप देखो किसी ने नहीं देखा हो तुम्बा, तो ये तुम्बा है, वो इस तुम्बा में तो ज्वैर निकली थी, ये भगवान की कृपा थी, ये उनका तप का बल था। तो तुम्बा आप ये देख लो, ये तुम्बा है, और गुरु देव हैं जो नागा साधु हैं, दिगंबर साधु कहेंगे हम तो बलकण, वो अपना जो जल का पात्र है वो बनाया हुआ है तुम्बे से। तो किसी ने तुम्बा नहीं देखा हो तो देख लो। और इसमें एक विशेष बात इसकी ये है कि ये ठंडा जल बहुत रहा है इसमें, तो ये पवित्र जल है। बाकी गुरुजियों की जो पंच दस जो दस नामा जूना अखाड़ा है, दस नामा जूना अखाड़ा से गुरुदेव हैं, और जो नागा साधुओं की परंपरा नगन अवस्था में, नागा मीन्स नगन अवस्था में जो रोवे हैं वहां से हैं, और गुरुदेव मौन व्रत धारण किए हैं कई वर्षों से। थोड़ा परिचय हम लेंगे शिष्य से।